गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मेरी गोल बुक में वर्कबुक क्लास टू स्टैंडर्ड टू देखेंगे हम यूनिट नंबर फोर रेन। तो आपको भी अपनी ये वर्कबुक ओपन कर देनी है। बच्चों, हमने 1 से 3 यूनिट इस बुक में कंप्लीट कर दिए हैं। नाम आज करेंगे 4 नंबर का यूनिट रेन। मैंने ये टेक्स्ट बुक में करवा दिया है, अगर उस आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो पूरा देख लिए और होमवर्क भी कर लिए। ओके, नाउ यहाँ पर है लुक लिसन एंड रिपीट। चलो, रेन, फर्स्ट रेन, रेन, रेनिंग, अराउंड, फॉल्स, फॉल, फील्ड एंड अम्ब्रेलास एंड सिप्स। Let's talk. Where does the rain fall? So the rain falls on the fields and tree. What do you people use when it rains? The people use umbrella and raincoat when it rains. Okay. Now, where do the sheep sail? The sheep sail on the sea. Okay. Now, next, write the correct options A, B, C, D in the box. Okay, यहाँ पर first है the dash is raining all around. Cloud, water, sky and rain. तो answer is D, rain. Okay, the where does the rain fall on the field and tree? Answer is C, option C. Okay, what do you use when it rains? Umbrella. Okay, now answer is E. What sail on the sea? Now C, ship. Okay, so B, answer is B. What color are the cloud the bring rain? So black. Okay, rainy होते ना, तो जो बादल बारिश लाते हैं उनका color black होता है. Okay, look, listen and repeat. Brown, crown, brown, fin, keen, tin, away, clay, play, gain, main, rain, free, tree, three, clip, dip, sip. Next, write the two rhyming words. Train, to gain, rain, main. Okay. Now next, way, today, clay, प्ले। आप दो लिख, आपको दो ही लिखना है. ओके, क्ले डे. ओके, फिर नेक्स्ट थ्री, थ्री तो फ्री, ट्री. ओके, ट्री, फिर सिप तो क्लिप डिप सिप. ओके, नेक्स्ट गाउन, डाउन, बाउन. ओके, नाउ नेक्स्ट look, listen and repeat. First, S E N, sun, M W N, moon, S T A R S, star, cloud, C L O U D S, cloud, rain, rainbow, thunder, thunder मतलब कि गर्जना करते हैं ना, मेघ धनुष. ओके, सॉरी, बादल जो गर्जना करते हैं ना, thunder. ओके, फिर birds, animals, tree, grass, G R A W S, grass, flowers, fruit, F R U I T S, fruit, hill, river and sea. Now, चलो यहाँ पर ये वर्ड है तो इस पिक्चर में फिल करना है. ओके, ये है फ्लावर्स, F A L O W E R S, फ्लावर, S U N, sun, T R W E S, tree, rain, R A I N, rain, star, S T A R S, star, grass, G R A S S, grass, next rainbow, R A I N B O W, rainbow, rain, bow, animal, A N I M A L S, animals, cloud, C L O U D S, cloud, M W O N, moon,
थंडर THUNDER थंडर मतलब कि बिजली चमकती ना, ओके तो थंडर। एंड फ्रूट FRUIT फ्रूट्स, ओके नेक्स्ट। बर्ड्स BIRDS बर्ड्स। रिवर RIVER रिवर। एंड हिल ओके HILLS हिल। ओके नाउ लुक लिसन एंड रिपीट। कलर द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द कलर। ओके यहाँ पर कलर के नेम की स्पेलिंग आपको सारी लर्न करनी है और हो सके तो ये सारी 5 times लिखनी है ओके आपको आपकी नोटबुक में। ओके ये सारे वर्ड भी आपको आपकी नोटबुक में 5 times सारे स्पेलिंग लर्न करके लिखना है ओके बच्चों, तो ही आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके कलर द पिक्चर्स एंड राइट द नेम ऑफ द कलर्स। ओके ये एप्पल है तो एप्पल रेड कलर। ओके तो RED रेड। ग्रास है तो ग्रीन कलर GREE ग्रीन। फिर सनफ्लावर है तो येल्लो। फिर ये यहाँ पर आपको पर्पल कलर फील करना है। ओके यहाँ पर पर्पल कलर आपको फील करना है। ओके नाउ ये है ब्राउन कलर BROUN ये ब्राउन कलर। ओके फील करना है। ओके यहाँ पर फिर नेक्स्ट यहाँ पर ऑरेंज कलर फील करना है। ORANGE ऑरेंज पर्पल एंड ब्राउन फिर से बोलना है। RED रेड। GREEN ग्रीन। YELLOW येल्लो ब्राउन। ओके यहाँ पर BRUWN ब्राउन। PURPLE पर्पल एंड ऑरेंज। फिर नेक्स्ट यहाँ पर वाइट कलर फील करना है ये स्वान है। ओके यहाँ पर ब्लैक कलर फील करना है। ओके ब्लैक BLACK फिर WHITE वाइट। चलो नाउ नेक्स्ट लुक लिसन एंड रिपीट। चलो सी रिवर लेक एंड पॉन्ड। ओके तो ये सारे वर्ड भी आपको 5 times लिखने हैं और लर्न करना है बच्चों। नेम द पिक्चर्स LAKE CSEAC नेक्स्ट रिवर RIVER रिवर। एंड तालाब है देखो यहाँ पर POND पॉन्ड। ओके द कलर द पिक्चर्स एंड राइट द 5 sentences अबाउट इट। देखो यहाँ पर ये पिक्चर है ये बीच का जो हम दरिया किनारे जाते हैं ना तो वहाँ पर बीच का पिक्चर है। ओके यहाँ पर अम्ब्रेला है। ओके बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। ओके फिर ये बोट है जो सेल कर रही है। ओके तो हम इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस लिखना है 5 sentences। यहाँ पर देखो दिस इज अ पिक्चर ऑफ सी सोर। ओके अदरवाइज बीच लिख सकते हो आप। ओके द बैट इज सेल ऑन द सी सॉरी बोट। ओके ये बोट है। ओके BOT बोट सेल ऑन द सी। देर आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। ओके देर आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। द सन इज राइज। ओके द अम्ब्रेला स्टैंड ऑन द सैंड इन द सैंड। ओके अम्ब्रेला यहाँ पर है ना खड़ी है। ओके नाउ स्टैंड। चलो नाउ नेक्स्ट हमने स्टोरी देखी थी आगे यूनिट नंबर 4 में स्टॉर्म इन द गार्डन। ओके जो सुनू था है ना याद है आपको तो वो स्टोरी अगर आपने नहीं देखी है वीडियो टेक बुक्स वाला तो आपको देख लेना है उसमें से भी होमवर्क करना है। ओके ये सारे वर्ड मैंने उस टाइम करवाए थे मीनिंग
ओके नाउ लेट्स टू हु वॉज द सुनू 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 वॉज स्नेल हु वॉज द सुनू सुनू विजिट टू आंट ओके फिर नेक्स्ट हाउ डिड द आंट प्ले विद सुनू सुनू द क्लाइंट ऑल द अवर इज हिज बॉडी ओके वॉट हैपन्स सडनली टू white light crushed through the cloud okay what did sunu sunu do pour in his head pour in the tail okay now where were the ants hiding okay ye sare only aapko questions bolna hai talk okay to ant kahan par hiding hui thi under a flower pot वेर वॉज द सुनू सुनू मदर अंडर द स्टोन नियर द वेल ओके वॉट डिड द विंड डू विंड ब्लो 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 एंड ऐसे ब्लो करा था ओके वॉट डिड द ट्रीज डू तो स्वे ओके हिल रहे थे ना फिर वॉट डिड द लाइटिंग एंड थंडर डू टू फ्लैश ओके फ्लैश हो रही थी ओके डू डिड सुनू सुनू गेट वेट वाई there homes on the around the gate filled with the water okay children now next write the correct option a b c d in the box who was the sunu sunu to a snail answer is a snail to answer is b option b okay Now next, who was the sunu sunu visit? To a aunt, okay? So answer is option A, aunt. The aunt's desk over sunu sunu to climb, okay? D, option D. Next, suddenly desk crushed through the cloud. So suddenly light, मतलब कि देखो हम बारिश होती है तो बिजली कड़कती ना सडनली ओके ऐसे लाइट ओके नाउ वेर वर आंट हाइडिंग मतलब कि आंट्स कहाँ पर छुप गई बिजली कड़कने की आवाज़ आई तो आंट अंडर द फ्लावर पॉट आंसर इज सी ऑप्शन सी द आंट्स टोल्ड सुनू सुनू टू डैश होम तो हरी मतलब कि जल्दी जल्दी आप सुनू सुनू को बोल रहे थे आंट के तुम्हारे घर चले जाओ ओके वेर वॉज सुनू सुनू मदर सिटिंग सुनू सुनू की मम्मी कहाँ बैठी थी अंडर अ स्टोन नियर द वॉल मतलब कुएं के वेल कुएं के पास में बैठी थी ओके सुनू सुनू हर्ड द वाइन तो सुनू सुनू ने क्या सुना कि ब्लो कर रही थी हवा बहुत ज़ोरों से चल रही थी तो उसकी आवाज़ आ रही थी ओह ऐसे आवाज़ आती है ना जब बारिश होती है बारिश के समय पे हवा बहुत ज़ोरों से चलती है तब बहुत सन्नाटे से आवाज़ आती है ज़ोरों से है ना तो सुनू सुनू सो अ ट्री साई 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 ओके फिर नेक्स्ट सुनू सुनू सो अ लाइटिंग फ्लैश झग ऐसे लाइटिंग फ्लैश हो रही थी ओके ऑप्शन इज डी ओके यहाँ पर डी सुनू सुनू हर्ड थंडर गुडम गुडम ऐसे रोल ओके बी ऑप्शन इज बी सुनू सुनू हर्ड रेन सिट्टा पिट्टा ओके तो ऑप्शन इज डी ओके फोल मतलब कि जब बारिश हो रही थी तो बहुत ज़ोरों से बारिश की आवाज़ आती है ना ओके सुनू सुनू हर्ड द वाटर ड्रिप प्लिप प्लिप ओके जब ड्रिप हो रही थी बारिश हो रही थी तो बारिश की बूंदें गिरती है ना तो जब आवाज़ आती है तो क्लिप क्लिप ओके सुनू सुनू डिड नॉट गेट वेट बिकॉज ही हिड इन हिज सेल यहाँ पर ऑप्शन ए ओके नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक थंडर टू रूल्स ओके वाइन टू ब्लूज ओके हवा ब्लू होती हैं ओके वाटर टू ड्रिप ओके ड्रिप
लाइटिंग टू फ्लैश, लाइट कैसे होती है फ्लैश, ओके, रेन टू फॉल्स, ओके, नाउ ट्री टू स्वे, नाउ लुक लिसन एंड रिपीट, प्रे स्टे स्वे, ब्लैक ब्लू ब्लू, क्लैश डैश फ्लैश, डॉग डॉल डोर, ड्रिप ड्रिंक ड्रेन, ओके। तो राइमिंग वर्ड लिखना है आपको, प्ले प्ले ए वाई है तो प्रे प्रे लिख सकते हैं आप यहाँ पर, पी आर ए वाई स्टी ए वाई स्टे, ब्लैक बी एल से ब्लैक, बी एल ए सी के बी एल ओ डब्ल्यू ब्लू, डी ओ से डॉग, डी ओ जी डॉग, डी ओ सी के डॉग, डी ओ डबल एल डॉल, ड्रेन डी आर ए आई पी ड्रिप, डी आर आई एन के ड्रिंक, मैस ओके एम ए एस एच मैस, तो फ्लैश ओके एफ एल ए एस फ्लैश, डी ए एस एच डैश, ओके। नाउ नेक्स्ट लुक लिसन एंड रिपीट, चिलू बूम डिंग डोंग, जूम डिप डिप, थन हॉन्ग हॉन्ग, फ्लैश पिटर पैटर, टिक टॉक नोक नोक। चलो ये बच्चों ये क्या है, मिस क्या पढ़ रही है, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा, आप ऐसे सोच रहे होंगे। तो ये सारा हम मैंने रीड कर दिया है, बट आप देखोगे अभी समझोगे अभी, ओके। देखो जब घड़ी घड़ी में आवाज़ होती है टिक 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 टॉक होती है ना, तो घड़ी की आवाज़ टिक टॉक, तो यहाँ पर लिखना है टिक टॉक। फिर आप गाड़ी चलाती हो ओके, तो हॉर्न बजाते हैं ना, तो हॉर्न की आवाज़ नॉक नॉक हॉर्न, ओके। ये और ये जो हमारी स्कूल में छुट्टी होती है तो बेल की आवाज़ डिंग डोंग, ओके। फिर नेक्स्ट पिटर पैटर, जब बारिश होती है बूंदे जब गिरते हैं तो उसकी आवाज़ को हम पिटर पैटर, ओके। फिर मोबाइल फ़ोन में बिप बिप, ओके। नाउ नेक्स्ट जब ब्लास्ट होता है ना बूम, ऐसे दिवाली में दीपावली में आप जब ये बूम ऐसे, ओके। नाउ पेड़ से गिरना गिरते वक्त ठंड ऐसे आवाज़ होती है, ओके। फिर आप किसी के घर जाती हो तो दरवाज़ा नॉक करते हैं ना, नॉक नॉक उसकी आवाज़, ओके। फिर आप जब बारिश में पानी भर जाता है ओके, तो यहाँ पर स्प्लैश, ओके। तो वहाँ पर आप जम कर लगाते हो ना, तो उसे कहते हैं स्प्लैश स्प्लैश, ओके आवाज़। और गाड़ी जब बहुत फास्ट चलती है तो किससे आवाज़ आती है, जूम से आवाज़ आती है, ओके। समझ में आए बच्चों ये आवाज़, ओके। चलो नाउ लुक लिसन एंड रिपीट, यहाँ पर इन ऑन अंडर ओवर अप डाउन बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ। चलो अभी ये वर्ड भी हम पिक्चर के थ्रू समझेंगे, ओके। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। चलो ये द बॉयज आर क्लाइंबिंग अप द ट्री, क्लाइंबिंग अप द ट्री, द रैबिट इन द अंदर, मतलब कि हेड के अंदर है रैबिट, ओके। नाउ द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द कैनल, डॉग का हाउस मतलब कि कैनल के सामने, फ्रंट ऑफ डॉग यहाँ पर है, ओके। फिर द बॉय इज अंडर द बेड, बेड के नीचे मतलब कि अंडर, ओके। नाउ द डॉग इज ऑन द चेयर, ऑन द चेयर, ओके, चेयर के ऊपर, ओके। द गर्ल इज कमिंग डाउन, मतलब कि नीचे की ओर आ रही है स्लाइड में, नीचे की ओर, तो डाउन डी ओ डब्ल्यू एन डाउन, ओके। फिर नेक्स्ट द रैबिट इज बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड ओके पीछे है, बी एच बी ई एच आई एन डी, बिहाइंड द ट्री। द हॉर्स इज जंप ओवर द फेंस, ओके ये फेंस है फेंसिंग, तो यहाँ से ऊपर से हॉर्स जंप लगा रहा है, ओके ओवर द फेंस, ओके।
Now let's write play, rain, coat, blue. तो ये कर्सिव की आपकी प्रैक्टिस करनी है. ओके देखो ये फोर लाइन से किससे बिलोंग कर रहा है, ऐसे ऐसे फोर लाइन में ही आपको लिखना है 1 2 3 4. ओके प्ले. ओके इस तरह से आपको भी कोशिश करनी है अच्छी राइटिंग की. ओके प्ले रेन कोट ब्लो, फिर यहाँ से ये स्टार्ट होगा. ओके यहाँ से प्ले. ओके नाउ इस तरह से ये पूरा पेज लिखना है आपको. ओके नाउ यहाँ पर नेक्स्ट स्किप वाइन काइट ट्री. चलो विंड फिर काइट है और लास्ट ट्री. ओके सेव पेंट काइट एंड ट्री. ओके ये आपको प्रैक्टिस करनी है. ओके राइट करना है. चलो नाउ नेक्स्ट वन टाइम कलर द बर्ड्स फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट नंबर्स इन द वर्ल्ड. वन लिटिल ब्राउन बर्ड्स, यहाँ पर ब्राउन कलर करना है. ओके कौन सा कलर करना है, ब्राउन कलर. ओके यहाँ पर आपको अच्छे से करना है. ओके विथ द नथिंग टू डू अलोंग कम द ब्लू वन एंड देयर वेयर टू. अभी कौन सा बर्ड आ रहा है, ब्लू, तो आपको यहाँ पर ब्लू कलर करना है. ओके सॉरी यहाँ पर ब्लू कलर करना है. ओके आपको अच्छी तरह फील करना है. ओके बच्चों फिर नेक्स्ट ब्राउन बर्ड एंड ब्लू बर्ड, तो ये ब्राउन बर्ड. ओके और ये ब्लू बर्ड फेल फ्लू अप इन अ ट्री. द रेड बर्ड, यहाँ पर अभी कौन सा बर्ड आ रहा है, रेड, तो रेड बर्ड जॉइन देम एंड देयर वेयर ट्री. ओके यहाँ पर राइट करना है ट्री. ब्राउन बर्ड, ये ब्राउन बर्ड, ब्लू बर्ड एंड रेड बर्ड. ओके रेड बर्ड सेट ऑन द मोर अलोंग होप अ ग्रीन बर्ड, अभी ग्रीन बर्ड. ओके यहाँ पर ग्रीन बर्ड एंड देन देयर वेयर फोर, अभी पहले फर्स्ट ये सेकेंड फिर ये थ्री बर्ड हो गए. ओके रेड बर्ड और ये तीनों ये फोर बर्ड. ओके फोर फोर लिटिल बर्ड टॉकिंग द डाइव. ओके डाउन फेल द येल्लो बर्ड, अभी येल्लो बर्ड आया. ओके तो यहाँ पर येल्लो कलर फील करना है एंड देन वेयर देयर वेयर फाइव. फाइव लिटिल बर्ड्स फ्लाई इन द सन फोर फ्यू अवे एंड देम देयर वॉज वन. ओके फाइव बर्ड थे. ओके फोर उड़ गए तो एक ही बच गया, तो यहाँ पर लिखना है वन. ओके चलो नाउ आपको कंप्लीट द क्रोज पजल यूजिंग द पिक्चर्स एज अ क्लू. ओके यहाँ पर देखो ये सन है, एस यू एन सन, ये मून है तो एम डबल ओ एम मून, यहाँ पर राइट करना है आपको. ओके नेक्स्ट स्टार एस टी ए आर स्टार रेन ए आई एन रेन. फिर नेक्स्ट ग्रीन जी आर डबल ई सॉरी ग्रास. ओके फिर नेक्स्ट है ग्रीन सॉरी ट्री टी आर डबल ई ट्री जी आर ए डबल एस ग्रास. नेक्स्ट है यहाँ पर हिल्स. ओके ये हिल्स तो एच आई डबल एल एस हिल्स और रिवर तो आर आई वी ई आर रिवर. ओके नाउ लुक लिसन एंड रिपीट. ओके यहाँ पर ये किड एल आई डी लीड बी आई बी एन आई बी नी एफ आई जी फिक पी आई जी पिक बी आई बीन एफ आई एन फिन पी आई पिन टी आई एन टीन एल आई पी लीड एस आई एक्स सिक्स. नाउ राइट द थ्री राइमिंग्स वर्ड. ओके ये आपको राइमिंग वर्ड लिखना है. ओके लिख लो आप डीड किड लीड मीड. ओके फेक पिग बिग वीक डेन फेन बीन पिन सीप लीप ड्रीप डीप पिक बीट फीट एंड सीट. ओके नाउ नेक्स्ट लुक एंड लुक एट द सैम्पल पिक्चर्स एंड कलर द फेस
यहाँ पर ये फिश का कलर है, सेम इसी तरह से आपको यहाँ पर इस फिश में कलर फिल करना है, ओके। और इसके बारे में तीन कलर सेंटेंस राइट करना है, थ्री सेंटेंस, ओके। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल कलरफुल फिश, अदरवाइज आप लिख सकते दिस पिक्चर्स ऑफ अ फिश। इट इज अ स्विम इन वाटर, स्विम इन वाटर, इट्स कैन विगल गिगल विद ग्ली, ओके। देखो आप ये, ओके, ये सेंटेंस राइट करना है। चलो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है, ओके। तो आपको कर देना है, जब भी नोटबुक चेकिंग होगी, टेक्स्ट बुक चेकिंग होगी, तो मैं ये सारे छोट यहाँ तक मैं चेक करूँगी, ओके। नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।